अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपना पहला प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था राशन ड्राइव जो हमने करनी थी, आज हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, आप पहचान तो गए होंगे कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। यहाँ पे हमारी एक आंटी जी थी जिनको हमने शॉप बना के दी थी कुछ महीना पहले, तो आज हम विज़िट करने आए उनका, उनकी शॉप का ऑडिट करेंगे कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है। तो आप लोग आ जाएं मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। हम आए थे आज चकवाल, तो सोचा आपकी शॉप का विजिट कर लें। अच्छा जी, कि कैसी जा रही है आपकी शॉप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह देख रहे हैं आपने अच्छी मेंटेन की हुई है शॉप को। जी बस जो इंसान का नसीब है वो मिलता जी है। जी, और उस वक्त आपने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है, तो इस वजह से मेरा काफ़ी यानी कि सर्कट सही। अभी इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर रही हैं आप? हाँ, जो डेली की सेल्स होती हैं। जी डेली की सेल मैं आपको दिखाती हूँ। ये जरा। अच्छा, ये मेरा ऐसे चल रहा है ना कि डेली की जो सेल होती है वो मैं यार लेके देती हूँ, और जो बचत होती है साथ ही वो अगर ज़्यादा कुछ बचत हो जाए घर का खर्चा वगैरह चला के, तो कोई बड़ा आइटम ले लेती हूँ, अगर कम हो तो छोटा ले। मतलब आप जो डेली की सेल करती हैं उसमें से कुछ का सौदा ले आती हैं और कुछ आपके घर का निज़ाम, मतलब गुजारा ठीक चल रहा है, उससे चल रहा है। बस गुजारा तो आपको पता है कितनी महंगाई है, मुश्किल से हो रहा है। बच्चियाँ हैं कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली, उनकी ट्यूशन फीस, कॉलेज का खर्चा, रिक्शे का किराया, बिजली के बिल, गैस वगैरह, ये तो आपको सारा पता ही है। अभी की दुकान में कौन सी चीज़ कम पड़ी है जो खत्म हो गई? सबसे ज़्यादा मसला बनता है जब चीनी खत्म हो जाती है। अच्छा, घी खत्म हो जाता है आयल, क्योंकि इनके लिए इकट्ठे पैसे चाहिए। अच्छा, तो अभी चीनी घी नहीं पड़ा? चीनी घी खत्म हो गया है। ये बाल्टियाँ हैं, इनमें दाने वगैरह रखी हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपकी अमानत है हमारे पास, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे, उन्होंने आपकी मजीद हेल्प की है, इन पैसों से आप जो सौदा आप ख़त्म हुआ हुआ है आप वो ले लीजिएगा। ठीक है, बस आप उन लोगों के लिए दुआ कर दीजिएगा जो आपकी हेल्प करते हैं। मैं उन सब को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको भी अपने मान में रखे और उनके हर नेक काम में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें, तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। जज़ाकअल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया।